सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। कक्षा 10 के लिए हमारा आज का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना। अनेक विद्यार्थी इनको कठिन समझते हैं, उनको इसमें कठिनाई महसूस होती है, तो आपकी ये कठिनाई मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। इसके पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना मैं आपको बता चुका हूँ, इनके वीडियोज में आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं 3 टाइप्स के, 3 प्रकार हैं। तो आइए अब प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान क्या होती है, पहचानेंगे कैसे? तो सबसे पहले लिखते हैं इसकी पहचान। पहचान तो दो इसकी पहचान है, उनके माध्यम से इसको पहचान सकते हैं, हुर्रे अलास, व्हाट हाउ आदि शब्दों से तो ये प्रारंभ होते हैं, आदि शब्दों से होता है इनका प्रारंभ। इनके अलावा भी कुछ शब्द हो सकते हैं। अब हुर्रे तो स्पेशली प्रसन्नता का प्रतीक है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। अलास स्पेशली दुख का प्रतीक है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। लेकिन जैसे व्हाट है, हाउ है, इनको आप पहले से जानते हैं WH वर्ड के रूप में, लेकिन यहां पर इनका प्रयोग होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। तो पहली पहचान इन शब्दों से प्रारंभ होना चाहिए, और दूसरी पहचान अंत में यह चिन्ह आना चाहिए जिसको कहते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अगर ये दोनों बातें मैच करती हैं तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब इसमें 3 टाइप्स हैं, तो 3 टाइप्स का जो रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज है वो कॉमन है, वो मैं आपको एक बार बता रहा हूं, वो पूरे 3 टाइप्स में काम आएगा, यूजेबल है। सेड, अब सेड का होता है एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड। व्हाट, अगर व्हाट से कोई वाक्य प्रारंभ होता है एक्सक्लेमेटरी, तो आपको करना है एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या वंडर, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या वंडर। व्हाट आश्चर्य का प्रतीक है। फिर इसके बाद में हुर्रे, अगर हुर्रे से प्रारंभ होता है तो आपको करना है एक्सक्लेम्ड विद जोय या डिलाइट, जोय या डिलाइट। जोय और डिलाइट का हिंदी अर्थ होता है खुशी, प्रसन्नता। यदि अलास से किसी वाक्य का प्रारंभ है तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो या ग्रीफ आपको करना है, एक्सक्लेम्ड विद सोरो या ग्रीफ। एक बार दोबारा देखेंगे ध्यान से कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन भी इसको कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच भी इस टॉपिक का नाम है। इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना आज सीख रहे हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान क्या है? तो हुर्रे, अलास, व्हाट, हाउ आदि शब्दों से तो प्रारंभ हो। इसके अलावा भी कुछ शब्द हो सकते हैं, जैसे गुड एवंस है, इसके अलावा भी कुछ शब्द हो सकते हैं, और अंत में ये आना चाहिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये इसके रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज है जो मैंने आपको कॉमन बताया है। ये पूरे 3 टाइप्स में काम आएगा कि सेड का एक्सक्लेम्ड करना है। अब अगर व्हाट से प्रारंभ होता है, व्हाट यहां पे WH वर्ड नहीं है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड का काम कर रहा है, तो व्हाट आश्चर्य का प्रतीक है, तो आपको करना है आरवी में एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या वंडर, दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। ये दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं, सरप्राइज और वंडर का हिंदी अर्थ होता है आश्चर्य। और अगर हुर्रे से किसी वाक्य का प्रारंभ है तो एक्सक्लेम्ड विद जोय या डिलाइट, और जोय या डिलाइट का हिंदी अर्थ होता है खुशी, प्रसन्नता। हुर्रे प्रसन्नता सूचक शब्द है।
और अगर अलास से किसी वाक्य का प्रारंभ है तो आपको करना है एक्सक्लेम्ड विद सोरो या ग्रीफ, इन दोनों में से किसी एक शब्द का प्रयोग, और सोरो या ग्रीफ का हिंदी अर्थ होता है दुख। तो ये जो चेंजेज हैं आरवी के रिपोर्टिंग वर्ब के, ये पूरे थ्री टाइप्स में कॉमन है। अब हम देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का फर्स्ट टाइप, जिसकी पहचान है कि जब वाक्य के अंत में नाउन का प्रयोग हो, जब वाक्य के अंत में आपको कोई नाउन दिखाई दे तो उसे किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। तो अब इस टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। तो अब प्रारंभ करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का फर्स्ट टाइप। अब इसके फर्स्ट टाइप की पहचान है, फर्स्ट टाइप जब वाक्य के अंत में आपको दिखाई दे नाउन, जब वाक्य के अंत में नाउन हो, ये इसकी पहचान। नाउन का आप हिंदी अर्थ जानते हैं, नाउन को कहते हैं संज्ञा। अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं। ही सेड व्हाट ए नाइस पेन। ये जो सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और ये वाट से प्रारंभ हुआ है। अब वाट तो डब्ल्यू एच वर्ड है, तो ये वाट से प्रारंभ हुआ है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस क्यों नहीं है? इसका जवाब ये है कि ये वाट से प्रारंभ अवश्य हुआ है लेकिन इसके अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं आया है, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आया है। तो सबसे पहली बात कि ये एक्सक्लेमेटरी क्यों है, प्रारंभ हो गया है वाट से और अंत में आया है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसलिए ये एक्सक्लेमेटरी है। ये जो भाग होता है इन्वर्टेड कोमा के अंदर का भाग, ये मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं, ये कहलाता है आरएस रिपोर्टेड स्पीच। और ये जो भाग होता है इन्वर्टेड कोमा के बाहर का, ये कहलाता है आरवी रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का फर्स्ट टाइप क्यों है? जब वाक्य के अंत में नाउन हो, तो ये पेन जो शब्द है ये नाउन है, वस्तु व्यक्ति और स्थान का जो नाम होता है उसे नाउन कहा जाता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि एक्सक्लेमेटरी क्यों है। आपको ये बात भी समझ में आ गई कि एक्सक्लेमेटरी का फर्स्ट टाइप क्यों है, जब वाक्य के अंत में नाउन हो। अब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले आरवी का चेंज करेंगे तो ही, अब इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले आरवी का चेंज करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ये आपने कर लिया। यहां पे सरप्राइज के स्थान पर वंडर भी कर सकते थे, ये तो आरवी का चेंज है। ये आपने वाट को देख करके किया है कि यदि वाक्य का प्रारंभ वाट से होता है तो करना है एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड विद वंडर। अब इसके बाद में कनेक्टिव लगाना है, कनेक्टिव दैट का यूज करना है। ये आपने कनेक्टिव लगा दिया दैट, ये कनेक्टिव है। यहां तक का चेंज तो कॉमन है, इससे आगे की जो टू टाइप्स हम देखेंगे उसमें भी कनेक्टिव के रूप में दैट का यूज होगा। और जो आरवी का चेंज है कि वाट से शुरू होता है तो क्या करना है, उर्रे से शुरू होता है तो क्या करना है, अलास से शुरू होता है तो क्या करना है, तो ये मैं आपको कॉमन बता चुका हूं, ये तो कॉमन चेंजेज है। और अब देखेंगे स्पेशली इस टाइप का चेंज कि जब वाक्य के अंत में नाउन हो, उसके जो रूल है वो प्रारंभ होंगे कनेक्टिव के जस्ट बाद से। जो भी नाउन आपको मिल जाए, पेन मिल जाए, हाउस मिल जाए, जो भी नाउन आपको दिख रहा है, उस नाउन के पहले आर्टिकल दी लगाकर वाक्य प्रारंभ करना है। तो ये दैट के बाद में आपने लिख दिया दैट दी पेन, जो भी नाउन मिल जाए उस नाउन के पहले दी लगाकर वाक्य का प्रारंभ करना है। के बाद आपको करना है टेंस का परिवर्तन। अब अगर इधर देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच में तो कहीं पर भी कोई हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आ रही है, इसलिए इसके बाद अपनी तरफ से वाज या वर्ग का प्रयोग करना है। अब सिंगुलर नंबर होने पर, एक वचन होने पर वाज लगाना है, प्लूरल नंबर बहुवचन होने पर वर लगाना है। तो दी पेन एक वचन का प्रतीक है, तो दी पेन के बाद में ये आपने कर दिया वाज। एक नियम यह है कि यहां पर आपको ए या एन जो भी मिलता है, जो भी मिलता है आर्टिकल उसको हटा देना है, तो ए या एन को हटा दिया। और इसके बाद में लास्ट रूल है कि इसके बाद वेरी लगाकर शेष वाक्यांश उतार दो। तो इसके बाद में ये वेरी लगाया,
और वेरी लगा करके ये शेष वाक्यांश में क्या बचा, नाइस, ये उतार दिए। इसके बाद फुल स्टॉप का यूज करना है। अब मैं एक बार आपको पुनः इन रूल्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले कॉमन चेंजेज जो आरवी के मैंने आपको बताए, तो आपने देखा कि व्हाट, तो व्हाट की वजह से एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड विद वंडर, ये कॉमन रूल है। कनेक्टिव के स्थान पर दैट का प्रयोग करना, ये भी कॉमन रूल है। इसके बाद जो पर्टिकुलर रूल्स हैं इस टाइप के, जो भी नाउन है उसके पहले दी लगाकर वाक्य प्रारंभ करना है, तो दी पेन कर दिया। इसके बाद अपनी तरफ से वाज या वर का प्रयोग करना है, तो वाज या वर कर दिया। दिए गए आर्टिकल्स ए या एन को हटा दो, ए मिले चाहे एन मिले हटा देना है। एक ये वाक्य के प्रारंभ में जो भी आपको एक्सक्लेमेटरी वर्ड मिलेगा वो कॉमनली थ्री टाइप्स में, व्हाट है, हाउ है, हुर्रे है, अलास है, गुड एवंस है, ओ है, ओ गॉड है, वो सारे एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हट जाएंगे, तो इस व्हाट का भी प्रयोग नहीं होगा इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ये व्हाट भी हट गया, ए भी हट गया, पेन का आपने यूज कर लिया उसके पहले आर्टिकल दी का प्रयोग करके, इसके बाद अपनी तरफ से वाज या वर का प्रयोग कर लिया, तो एक वचन की वजह से वाज का प्रयोग किया। अब इसके बाद वेरी लगाकर शेष वाक्यांश उतार दो, तो जब वेरी लगाया तो शेष वाक्यांश में केवल ये एक शब्द बचता है, नाइस। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द पेन वाज वेरी नाइस। और जो ये रूल है कि जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है उसको फुल स्टॉप में चेंज करना है, ये भी कॉमन रूल है। आगे आने वाले टू टाइप्स में भी यही करना होगा। तो ये आरवी का चेंज कॉमन है, कनेक्टिव के स्थान पर दैट का यूज कॉमन है थ्री टाइप्स में, वाक्य के प्रारंभ में दिए गए विस्मय आदि बोधक शब्दों को हटाना ये भी कॉमन है, और अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करना ये भी कॉमन है। तो अब ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि पर्टिकुलर रूल्स क्या है इस टाइप के, कि नाउन के पहले दी लगाकर वाक्य का प्रारंभ करना है, इसके बाद में वाज्य वर्ब का प्रयोग करना है, दिए गए आर्टिकल ए या एन को हटा देना है, और इसके बाद वेरी लगाकर शेष वाक्यांश उतार देना है। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हुआ कि ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द पेन वाज वेरी नाइस। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की फर्स्ट टाइप है, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ग्रामर में एक्सरसाइज से आपको इन वाक्यों को सोल्व करना है, एक्सरसाइज सोल्व करनी है, फिर इनके उत्तर मिला करके देखने हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो फर्स्ट टाइप है उसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी सेकंड और थर्ड टाइप के बारे में बताऊंगा। मुझे आशा है कि ये टॉपिक आपको पूर्णतया समझ में आ गया होगा। मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स।